हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आप सभी देख रहे हैं टारगेट एट वन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कुल 20 क्वेश्चंस और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। साथ ही साथ हम डिस्कस करते जाएंगे उन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो आपके इन क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं, ताकि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप इन कॉन्सेप्ट के जरिए उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस के चलते कितने सारे दहशत में लोग अपने घर में जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, उनके डेली जो बेसिस पे जो काम है उनको करने के लिए। कई सारे ऐसे मजदूर हैं जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए हम सभी को प्रे करना चाहिए कि गॉड उन सबको अच्छी कंडीशन में ले करके जाए, और हमें पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि कोरोना एक जो डेडली वायरस है वो उन तक ना पहुंचे। तो इसके लिए हमें घर पे रहना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सरकार का सहयोग करना है आप सभी को, हम सभी को, ताकि हम अपने समाज को इस डेडली वायरस से बचा सकें। तो एक अच्छा सा संकल्प करते हैं कि जब भी हम 21 दिन के लॉकडाउन के बाद जब बाहर आएंगे तो पूरी कोशिश करेंगे सफाई का ध्यान रखने का, ठीक है ना। तो अभी आप क्योंकि घर पे रहना है हम सभी को, तो घर पे रहकर भी हमें अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना है, हमें बिल्कुल कंटिन्यूटी जारी रखनी है। तो कंटिन्यूटी को जारी रखते हुए आज की वीडियो हमारी क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होती है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। तो सीखने की तत्परता किस ओर संकेत करनी है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका तत्परता का नियम, थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। बी है आपका शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर। सी है सीखने में सार्थक शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। और डी है सीखने के कार्य की प्रवृत्ति को संतुष्ट करने। ऑप्शन है आपका सही, सीखने में सार्थक शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। गाइस, जब भी आपसे कहा जाए कि सीखने में बच्चा तत्पर है, दैट मीन्स कि मेंटली वो एक्टिव है अपनी क्लास में, ठीक है ना। और ये आपका कॉग्निटिव लेवल शो करता है इन प्रेजेंट। अगर कोई भी बच्चा क्लास में, अगर टीचर कोई कंटेंट डिलीवर कर रहा है और बच्चे का दिमाग कहीं और है, या फिर बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आता, या फिर उसके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही है, तो बच्चा उस कंटेंट की तरफ फोकस नहीं करता। तो वहाँ पर टीचर को चाहिए कि उस बच्चे को नोटिस करे कि कौन बच्चा दाएं बाएं देख रहे हैं, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो अदर चिल्ड्रंस के साथ में बातें कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख कर टीचर को पॉइंट आउट करना है और उन बच्चों से क्वेश्चन पूछना है, ताकि वो बच्चों का ध्यान एक दूसरे को डिस्टर्ब करने से हट सके, या फिर उसे फर्स्ट बेंच पे बैठाना चाहिए बिल्कुल अपनी आंखों के सामने, ठीक है ना। क्योंकि गाइस, जब आप क्लास में एंटर करते हैं ना, तो एज अ टीचर आप उन सारी चीज़ों को देख लेते हैं जो एक टीचर को देखना चाहिए। आप 30 बच्चों में से पहचान लेते हैं कि कौन सा बच्चा सीधा है, कौन सा बच्चा लगातार शैतानी करता है, कौन सा बच्चा ऐसे जिसे मेरी क्लास में मन नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें आप नोटिस कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, यानी कि इन ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके कारण लर्निंग डिसेबिलिटी पैदा हो सकती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर वन है आपका सांस्कृतिक कारक। बी है सेरिब्रल डिसफंक्शन, यानी सेरिब्रल जो डिसफंक्शन होता है, सेरिब्रल आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे ब्रेन का हिस्सा होता है जिसमें हम कई सारी मेमोरी स्टोर करते हैं, तो वो सेरिब्रम कहलाता है। और सेरिबेलम होता है, पॉन्स वेरोलाई होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल आपकी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कहते हैं उसको, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, जो आपके उसमें से दो नर्व्स निकलती है, मोटर और सेंसरी, ठीक है ना। तो उसके बारे में काफ़ी डिटेल में आगे चल के चर्चा करेंगे, फिलहाल आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर सी है आपका संवेगात्मक विघ्न। सी है आपका व्यवहारगत विघ्न। तो सही आंसर है आपका सांस्कृतिक कारक। फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी गाइस, इसका आंसर गलत है। आप सभी को पता होना चाहिए कि सेरिब्रल डिसफंक्शन ऐसा कारक है जिसके कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किससे उत्पन्न नहीं हो सकती, तो वहां पर आपको करना है आंसर सांस्कृतिक कारक। तो सही आंसर है आपका सेरिब्रल डिसफंक्शन, क्योंकि जब आपका सेरिब्रल डिसफंक्शन हो जाता है तो आप ठीक तरीके से चीज़ों को ग्रेस्प नहीं कर पाते, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसकी अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं? यानी कि आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि समस्या समाधान की प्रक्रिया की स्टेज नहीं है। ऑप्शन नंबर वन है आपका परिणामों की आशा करना, बी है समस्या की पहचान, सी है समस्या के छोटे हिस्सों में बांटना, यानी समस्या जो आपको होगी आपकी होगी उसे छोटे छोटे हिस्सों में यानी कि 1/4 1/3 ऐसे करके उसे बांट लेना है और फिर एक एक करके एक एक चरण को सॉल्व करना है। लास्ट है आपका संभावित युक्तियों को खोजना। तो सही आंसर है आपका समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना। जब भी आपके सामने प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, तो आपके ये आपके स्टेजेस नहीं बता रहा है, आपके प्रक्रिया के जो चरण होता है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि जो आपकी प्रॉब्लम होती है उसके पहले आपको हाइपोथेसिस बनानी होती है, ठीक है ना। सबसे पहला चरण यही होता है, तो उन्हीं सारे चरणों की बात कर रहा है आपका, ठीक है ना। इस पे गाइज हम एक वीडियो बनाकर काफी डिटेल में चर्चा करेंगे, तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपका, सॉरी, हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान की प्रक्रिया का सबसे पहला चरण होता है हाइपोथेसिस, यानी जो आपकी प्रोसेस है या प्रॉब्लम है उसके बारे में सबसे पहले जानना, फिर उसके बारे में परिकल्पना बनाना कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। देन आफ्टर आपको चेक करना है कि ये सारी जो प्रॉब्लम है वो अप्लाई हो रही है या नहीं। लास्ट में आपको इवेल्युएशन करना है और फिर आपको चेक करना है कि प्रॉब्लम से ये जो आपने कंक्लूजन निकाला है उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या फिर नहीं। अगर नहीं होती तो देन आफ्टर आपको दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया के चरण कौन से हैं, तो आपका चरण है आपका समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं, एक शिक्षक को आपको बताना है कि एक टीचर के अंदर इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो अप्लाई होता है, ठीक है ना। पहला, व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार यानी कि बेस उपलब्ध करना चाहिए। बी है आपका शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए, क्योंकि गाइज अगर आप इस तरीके का बिहेव करेंगे क्लास में, बच्चे को पनिश करेंगे, उसे नीचा दिखाएंगे, उसकी त्रुटि के लिए उसे गंभीर टिप्पणी देंगे, तो बच्चा डर जाएगा और क्लास में कभी भी नहीं आएगा। तो ये चीज करने से हमेशा टीचर को बचना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। तो शिक्षार्थी जब कोई गलती करने से बचता है तो इसके सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। तो बच्चा जब गलती करने से बचता है तो उसके लिए बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि वहां पर उसने अपने कॉग्निटिव लेवल से एक चीज सीखी कि हाँ, प्रॉब्लम नंबर ए से मेरा प्रॉब्लम नंबर वन, सॉल्यूशन नंबर वन सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे इसने सीखा कि मैंने ए के साथ में टू ऑप्शन लगाया था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देख सकते हैं, बच्चे के सामने ए प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो उसने पहले क्या किया, प्रॉब्लम नंबर सॉल्यूशन नंबर वन लगाया तो नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हुई, फिर सॉल्यूशन नंबर टू लगाया फिर नहीं सॉल्व हुई, फिर सॉल्यूशन नंबर थ्री लगाया तो यहाँ पे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नाउ द स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम जो है ए वाली, वो वन से सॉल्व नहीं हुई, टू से सॉल्व नहीं हुई, लेकिन थर्ड से सॉल्व हुई। तो ये दोनों उसको यहाँ पे संज्ञानात्मक पक्ष उसका मजबूत होता है। तो जब भी बच्चा कोई गलती करता है तो उसको आपको उसकी गलती नहीं समझनी है, आपको ये सोचना है कि बच्चा ट्राई कर रहा है, अलग अलग पक्षों को देख रहा है उस प्रॉब्लम के, तो उसके संज्ञानात्मक पक्ष उसका मजबूत हो रहा है, ठीक है ना। लास्ट है आपका कि जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक करना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो ये है कि जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा है तो उसे ठीक नहीं करना चाहिए। तो गाइस क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक टीचर की तरह आपको एक टीचर को चाहिए कि बच्चे जो हैं, जब बच्चे कोई गलती कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप उसे नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है ना, उसका बेस तैयार कर रहे हैं, तो हर चीज़ तो आप ही कर रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो एक टीचर को बस फैसिलिटेटर की तरह काम करना है, और जब बच्चा कोई गलती कर रहा है तो आपको उसे वहाँ पे हिंट करना है कि आप गलती कर रहे हो, ठीक है ना। और उसके बाद बच्चा अगर दोबारा एक सही स्टेप पे जाता है तो वहाँ पर टीचर को साइलेंट रह के देखना चाहिए कि बच्चा कौन सा वे चुनता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लर्निंग को ग्रास्प करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है,
जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है, परीक्षा होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है। उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं और उसके हर हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। यानी एक बच्ची है सीमा, एक स्टूडेंट है सीमा, जो भी जब उसको उसको हमेशा ये रहता है कि उसको ए प्लस लाना है, लेकिन जब भी वो एग्जामिनेशन हॉल में जाती है तो उसके हाथ पांव नर्वसनेस की वजह से ठंडे पड़ जाते हैं, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो उसका कारण क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका, शायद वह आकस्मिक संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर 2 है आपका, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है आपका, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। या फिर ऑप्शन नंबर 3, निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। तो सही आंसर जो है आपका निकल कर आता है वो यह है कि शायद वह आकस्मक संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। तो गाइज, जब भी बच्चा कोई क्लास में जाता है और वो बहुत ज्यादा नर्वस होता है, वहां पर आपको ध्यान में देने वाली बात यह है कि आप इसको बच्चे का मेंटल डिसऑर्डर बिल्कुल नहीं समझेंगे। वहां पर बच्चे के अंदर कई सारी चीजें हो सकती है जिस वजह से बच्चा डरता हो सकता है कि बच्चा क्लास में उस कंडीशन से डरता है, एग्जामिनेशन की कंडीशन से डरता है जहां पर उसे बैठकर लिखना होता है। तो कहीं ना कहीं उसके कॉग्निटिव लेवल वहां पर डिस्टर्ब्ड है, ठीक है ना। वो उन सब चीजों को फेस नहीं कर पा रही है बच्ची जिस कंडीशन में उसे एग्जाम देना है। दैट मींस कि अचानक उसके सामने क्वेश्चन की लाइन लगी हो और उसे लिखना हो और उसका वहां पे बिल्कुल भी कॉग्निशन लेवल एक्टिवेट नहीं हो पा रहा कि उसे किस तरीके से आंसर देना है। कई सारे बच्चों के साथ में ऐसा होता है, इनफैक्ट बड़ों के साथ में भी इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, न अनुभव से वह अनुभव से उसे क्या कहा जाता है। तो जिस प्रक्रिया में, यानी जिस प्रोसेस में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर सीखता है, उसके व्यवहार को देखकर सीखता है, उसे आप क्या कहेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका सामाजिक अधिगम, बी है अनुबंधन यानी कि कंडीशनिंग, सी है प्रायोगिक अधिगम या फिर डी आकस्मिक अधिगम। तो सही आंसर है आपका गाइस सामाजिक अधिगम। जब भी सामाजिक अधिगम की बात करी जाए, सामाजिक टर्म की बात करी जाए, तो आपको रखना है सामाजिक में वाइगोत्स्की को। सामाजिक अधिगम की बात करी जाती है तो आपको रखना है वहां पे बंडूरा को। बंडूरा ने अपनी सोशल लर्निंग की थ्योरी दी थी और सोशल लर्निंग की थ्योरी में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था कि एक जोकर ले लिया था उन्होंने, जिसका नाम था बोबो, ठीक है ना। और उस जोकर को उन्होंने एक बच्चे को दे दिया, ठीक। अब बच्चे को क्या करना था कि बच्चे के सामने जब एक फिल्म दिखाई गई जिसमें कि एक बच्चा है या एक आदमी है जो आपस में फाइटिंग कर रहा है, तो बच्चा क्या करता है जब उसे बोबो डॉल दी जाती है तो उस खिलौनों को बुरे तरीके से मारता है, ठीक है ना। वहीं अगर एक और बच्चा होता है जिसे अच्छी फिल्म दिखाई जाती है, जिसमें बच्चे अच्छे से आचरण कर रहा होता है, तो अगर उस टाइम उस दूसरे बच्चे को वो डॉल दे दी जाती है तो वो डॉल के साथ काफी अच्छा व्यवहार करता है, उसको सहलाता है, उसको गोद में रखता है ना। तो यही चीज है सामाजिक अधिगम, यानी जो हम अपने समाज से सीख रहे हैं, अपने आसपास की चीजों से सीख रहे हैं, ये होता है आपका सामाजिक अधिगम। और ये दिया गया था आपके, ये कॉन्सेप्ट दिया गया था आपके बंडूरा से, ठीक है ना, एल्बर्ट बंडूरा। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। तो जब भी आपकी लर्निंग आप करते हैं तो उसको जो जो प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक होता है वो कौन सा होता है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका संचार के साधन, बी है समवयस्क समूह यानी कि पीयर ग्रुप, सी है आपका अध्यापक और डी है आपका परिपक्वता और आयु। तो सही आंसर है आपका परिपक्वता और आयु। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक यानी कि आपको बताना है कि सेल्फ जो फैक्टर्स हैं जिन जो आपके लर्निंग को प्रभावित करते हैं, तो संचार के साधन, तो गाइज संचार के साधन आपको मोटिवेट भी करते हैं, आपको हेल्प भी करते हैं लर्निंग में। समवयस्क समूह यानी कि पीयर ग्रुप कभी कभी डिस्टर्बिंग होते हैं, हालांकि ज्यादातर डिस्टर्बिंग नहीं होते, ठीक है ना। अध्यापक की बात करी जाए तो कभी अध्यापक डिस्टर्बिंग नहीं हो सकता। इन सम केसेस होते हैं कि अध्यापक कुछ ऐसे होते हैं काफी ज्यादा रूडली बिहेव करते हैं, तो वहां पर बच्चा डरता है लर्निंग करने से, ठीक है ना। तो जो बेस्ट एक्यूरेट आंसर आपका परिपक्वता और आयु, यानी कि जब बच्चा मच्योर होता है, जब बच्चा फर्स्ट क्लास का होता है, तो आप उस स्टेज में उसे ABCD ही पढ़ा सकते हैं। आप उसे ये नहीं बता सकते कि EQUAL TO MC², ठीक है ना। तो छोटा बच्चा रहता है तो उसे आपको छोटे लेवल की चीजें पढ़ानी है। जब बच्चा मैच्योर होता है, उसकी आयु बढ़ती है, तो वहां पर वो उन सब चीजों को सीखता है जो उसकी एज के अकॉर्डिंग एक्यूरेट होती है।
तो परिपक्वता और आयु का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारी शिक्षा में, ठीक है ना। कई कई बार बच्चे की आयु बढ़ जाती है मगर परिपक्वता नहीं होती, कई कई बार छोटी आयु में ही बहुत ज़्यादा परिपक्वता आ जाती है। तो आयु और परिपक्वता का रिलेशन तो है पर प्रोपोर्शनल रिलेशन बिल्कुल नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि आयु के साथ परिपक्वता आती ही आती है। सम केसेस में परिपक्वता आ जाती है, आयु नहीं होती, और कई कई केसेस में आयु बढ़ती चली जाती है, परिपक्वता नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाज के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, तो इसे आप क्या कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आपके सी टेट में कई बार आ भी चुका है और आपके सुपर टेट में भी आ चुका है और आपके यूपी टेट जूनियर में भी आ चुका है। तो पहला ऑप्शन है आपका विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, सी है निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, सी है शून्य प्रशिक्षण अंतरण और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका शून्य प्रशिक्षण अंतरण। गाइस हमने जब हम लर्निंग की वीडियो पे डिस्कशन कर रहे थे तो काफ़ी लंबी वीडियो थी हमारी 1 घंटे की, तो हमने वहाँ पे आधे घंटे की, तो हमने डिस्कस किया था वहाँ पर कि जब भी हम कोई कौशल सीख रहे होते हैं और दूसरे कौशल में अगर वो चीज़ हमें अफेक्ट नहीं करती, दैट मीन्स कि वो क्या है, वहाँ पर आपको शून्य प्रशिक्षण अंतरण हो रहा है यहाँ पे, या आपको जो आपकी लर्निंग ट्रांसफर है वहाँ पे 0 हो रही है, ठीक है ना। आप उसको वर्टिकल तब नाम देंगे जब आपको वो चीज़ उसी चीज़ की फील्ड में आप और आगे चल के प्रगति करते हैं तो आपका वर्टिकल कहलाता है। जैसे आपने साइकिल चलाना सीखी और उसके बाद अगर आप स्कूटर चलाना सीख लेते हो तो दैट इज वर्टिकल लर्निंग, ठीक है ना, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका अभिव्यक्ति है, एक अभिव्यक्ति क्या है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होती है, ऐसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति नापसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन नंबर 2 है आपका एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति को योग्यता का परिचय जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण ज्ञान कौशल से सीखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 है आपका व्यक्ति की अंगीभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका अभिव्यक्ति क्या होती है, अभिव्यक्ति एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति नापसंदगी या पसंदगी के रूप में प्रक्रिया करती है। तो गाइज अभिव्यक्ति मीन्स वॉट, देखिए आपके पास कोई चीज़ है ए, ठीक है, आपको ए बहुत पसंद है, फॉर एग्जाम्पल ए फॉर एप्पल, एप्पल है जो आपको बहुत पसंद है। तो जब आप उसके बारे में कुछ इस टाइप की प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे फिजिकल प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है, वर्बल देते हैं कि हमें पसंद है नापसंद है, एप्पल ऐसा होता है, तो यही चीज़ होती है आपकी अभिवृत्ति, ठीक है। दैट मीन्स आपकी जो जो जिस तरीके की आपकी भावात्मक प्रवृत्ति है अपने अनुभव के द्वारा आप उसे अर्जित करते हैं वही कहलाती है आपकी प्रवृत्ति, अभिवृत्ति। आगे बढ़ चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की आपको ये बताना है कि कौन सा आपका ऐसा ऑप्शन है जो व्यक्तित्व और बुद्धि से बुद्धि में वंशानुक्रम की डैश वंशानुक्रम की भूमिका को दिखाता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका नाममात्र की भूमिका है, बी है महत्वपूर्ण भूमिका है, और सी है आपका अपूर्वानुमेय भूमिका है, और डी है आपका आकर्षक भूमिका। तो सही आंसर है आपका नाममात्र की भूमिका, यानी कि व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की कोई भी भूमिका नहीं होती है, या फिर बहुत 1% की भूमिका होती है। गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इंसान की पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा अच्छा होता है पर बुद्धि उसकी थोड़ी कम होती है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर वंशानुक्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता। कई कई बार ऐसा होता है कि हमारे दादाजी लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, उनका आईक्यू लेवल कम होता है, लेकिन बच्चा जो होता है उसके आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होती है। दैट मीन्स कि आपका जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स है वो आपके व्यक्तित्व को और आपकी बुद्धि को बहुत ही कम प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो गाइस व्यक्तित्व मतलब हमने पढ़ा था कि जो आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है वो सारी आपकी कहलाती है व्यक्तित्व, और बुद्धि मीन्स क्या होती है, आप चीज़ों को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, चीज़ों को कितनी जल्दी लर्न करते हैं, कितनी जल्दी जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस और व्यक्तिगत व्यक्तित्व के ऊपर कभी भी वंशानुक्रम का फर्क नहीं पड़ता। यह हमने तब पढ़ा था जब हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे तब भी, और हमने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि व्यक्तित्व और बुद्धि किस तरीके से प्रभावित होते हैं हमारे वातावरण से, ठीक है ना।
तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और कोई ऐसा कंटेंट है जो आपको डिस्टर्ब करता है और जिस वजह से आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती, तो प्लीज़ वीडियो के रिलेटेड कमेंट्स को अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है ना। और अगर चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और है कि गाइज अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।